तो अब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है, प्रारंभ हो चुकी है। और हम और एक ही चमत्कार देखिए, जो पानी आ रहा है वहाँ पे रेनबो दिख रहा है। हम निकलेंगे हम बाल गंगा की ओर। कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, पूरे भक्त जन आ रहे हैं यहाँ पे। और घोड़े भाई साहब ठीक है? जी सर ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपको सबका रेट मिल जाएंगे, जो जो रेट के हिसाब से आपको अगर पिट्ठू करना है, रिक्शा करना हो, जो भी करना हो, सबके रेट है। इन पे कटरा टू अर्धकुमारी 1750 रुपये किसके पालकी का है, पिट्ठू है 300 रुपये। तो बाण गंगा आ गए हम यहाँ पे, माण गंगा माता के दर्शन करते हुए। यहाँ पे आप नहाने का सिस्टम है हमारा, पानी तो वैसे नदी में ज़्यादा है नहीं, देखते जब भी कैसे रहेगा एडजस्ट करके नहाएंगे। ये रही बाण गंगा, जो कि इसमें बहुत ही कम पानी है, हद से ज़्यादा, जो कि पिछली बार मैं जब आया था जब बहुत पानी था ही नहीं, लेकिन इस बार भी देखिए थोड़ा बहुत पानी है, जो कि नहा रहे लोग। इधर से पानी आता है, इधर देखिए, इधर हम भी पहुँचेंगे अभी थोड़ी देर बाद। हम देखिए दोस्तों बाण गंगा में नहा रहे लोग। ए इधर देख, अरे हर गंगे। ये गरीब लोग पानी को पहली बार देख रहे हैं, इस प्रकार का पानी जो बाण गंगा में बह रहा है, और इसी बाण गंगा के पानी से नहा रहे हैं। और एक ही चमत्कार देखिए, जो पानी आ रहा है वहाँ पे रेनबो दिख रहा है, वो देख रेनबो। बाण गंगा पे हम लोग थे और हमने नहा धो लिया है, हम सब रेडी हो गए हैं। और मैं यहाँ पीछे खड़ा हूँ देखो, क्योंकि मेरे पीछे से आ रहा है ये झरना, जो कि अभी देख सकते हो। और ये रही हमारी पूरी टीम नीचे, सब नहा धो के तैयार हो गए, और मैं भी। तो अब चलेंगे आगे का सफ़र करेंगे। तो अब पहले भूख लग रही है, कुछ खाएंगे और फिर आगे का सफ़र करेंगे, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए आगे का सफ़र नहीं होगा। बाण गंगा की आगे हम निकल चुके हैं, सब तैयार वार हो गए, और बस खाना खाने की देरी है, कब खाना खाएंगे। टाइम हो गया भाई, बैठा भाई, इधर बैठ जाओ, कुछ लोग इधर बैठ जाओ। ये रही दुकान जहाँ हमने खाना खा लिया भाई, लेकिन खाना बिल्कुल भी सही नहीं लगा। है ना, कैसा लगा खाना? थोड़ा बाहर आएंगे तो, वरना दुकान वालों हमें मार सकते हैं। अरे तो बोलना चाहिए। देखिए खाने की रिव्यू अगर दूँ तो खाना किसी लायक नहीं था, ऐसा 80 रुपए का खाना था, 80 रुपए का खाना था, किफ़ायती हो गया है एक तरीके से आम थाली के मुकाबले, जिसमें तीन रोटी, थोड़ा सा चावल और दाल था, अरहर का दाल था, राजमा था और छोला था। छोले में साफ साफ लग रहा था कि कलर वाला पानी है, जो कि ऐसा नहीं चढ़ जा रहा था। राजमा में बस छिलका ही छिलका, राजमा के अंदर का कहीं नामो निशान नहीं, और अरहर का दाल था उसमें, बस स्वाद नहीं किसी लायक नहीं था। बाकी खाना जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे खाना महंगा होता जाएगा, ऐसा लोगों ने बताया है। देखिए ये रही दुकान जिसका नाम है दुकान का देसी राज कोल्ड ड्रिंक्स, अगर आप आओ तो यहाँ जरूर मत खाओ कुछ भी, कुछ भी सही नहीं था बिल्कुल भी। तो खाना पीना हो चुका है, खाने से बिल्कुल पेट नहीं भरा, हमारा पेट तो भर गया पर मन नहीं लगा कतई भी, खाना तो बेकार था। सब चलते हैं खाने पीने के बाद आगे, हम तय करेंगे अर्धकुंवारी, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास है। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। यहाँ से पत्थर गिरते, देखा यहाँ से पत्थर गिरते जब यहाँ पे लिख रहा था। बोलो साचे दरबार की जय। छपुर माँ भगवती दर्शन, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, जय माता की जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सब थके हुए, इसको कितने पसीने आ चुके हैं, किसी आई टी ऐसी जैसे पसीने जाते हैं। यहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, अरे यहाँ से बहुत नीचे से, और अभी हमें जाना है और ऊपर। यहाँ से नहीं, आज सब बच्चे लग रहे हैं चींटी से। हम देखो कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे पापा लोग, आगे पता ही नहीं चल रहा हमें तो, हम कहाँ से आए थे भाई, बहुत नीचे से। भैया बंदर भी घूम रहे हैं, क्योंकि डर है कुछ छीन ना ले फोन। और ये देखिएगा कितना मस्त नज़ारे लग रहे हैं, हम बहुत ही ऊपर अभी आ चुके हैं। और ये अर्धकुंवारी एरी, बस कुछ क्षणों के बाद। कैसा लग रहा है तुम्हें भाई? बहुत काम महसूस हो, हट जा हट जा। ओ भाई जो लग, आखिरकार हम आ गए हैं अर्धकुंवारी पे, जो कि यहाँ से हम जाएंगे गर्भवती कक्ष में, जो कि ये गुफा है उसके अंदर से, जो कि हमने अभी पर्ची उर्ची कटवा रहे हैं यहाँ सब बैठे हैं।
जो कि पर्ची उर्ची कटवा रहे हैं, फिर अभी कितना टाइम लगेगा वो सब बताएंगे हम आपको। और यहाँ पे हमें वो, और ये देखिए यहाँ पे हमें आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से मतलब पहाड़ तो ऐसे लग रहा है देखने में, मतलब देखते रहो कोई बोर नहीं होगा इन पहाड़ों को देखने में, मतलब मस्त मज़ा आएगा लग। ये रही गर्भजन गुफा का रास्ता, जो कि यहाँ से टिकट लेके जाएंगे और यहाँ भीड़ देखें कितनी कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे देखो नज़ारे क्या ही नज़ारे। और ये जो कि कैमरे में तो बिल्कुल आपको नहीं लगेगा, लेकिन कुछ भी करो। और यहाँ इसके अंदर मोबाइल वोबाइल नहीं ले जाने देते हैं। ये देखो भाई अभी ये रही अर्धकुंवारी और ये रही भगवान का रास्ता, तो हम वहाँ पे थे अब यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे चलते जाएंगे और जयकारा लगाओ ऊपर पहुँच जाओ। जोर से बोलो जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो उसकी हालत, हालत खराब हो गई है। तुम्हारी हालत कैसी हुई? जय माता दी कहते जाओ और सीढ़ी चढ़ते जाओ। हाँ चलो फिर आजा, चलो स्थिति बहुत अच्छी है और आगे भी रहेगी, कृपया कंटिन्यू करें। अब यहाँ से पकड़ेंगे क्या रास्ता, तो भाई देखो शाम होने वाली है, यहाँ पे 6:30 बजने वाले हैं और यहाँ बाहर का सीन कुछ ऐसा है, और ऊपर थोड़ी ठंड भी लगना शुरू हो गई है, क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं प्रसाद भंडार में, जहाँ से हम प्रसाद लेंगे और फिर जाएंगे माता जी के दर्शन करने, आपको दिखाएंगे। तो फिर ये देखो यहाँ पर शाम हो चुकी है और यहाँ पर शाम का सनसेट कितना प्यारा आ रहा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इतना प्यारा सनसेट हो चुका है और हमें जाना है इधर, और हमें अभी कोई भी नहीं आया पीछे, तो अभी हम सिर्फ चलते हैं आगे, आगे जाके एक जगह बैठ जाएंगे। लिटरली गाइस बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सीन है देख के बाहर के माउंटेन वगैरह देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो मैं भी बोलूँगा आप भी लोग ज़रूर आए यहाँ पर, मतलब यहाँ के नज़ारे ऐसे हैं मतलब आप कभी बोर नहीं होंगे इनके नज़ारा को देखते हुए, और अच्छे से माता जी के दर्शन भी होंगे। तो और चले आ गए, तो लुक एट दिस व्यू, यहाँ की मोबाइल में पहले बात तो क्वालिटी उतनी आती नहीं सही है ना, देखियो ऐसा देख और ऐसा देख कितना फ़र्क दिख रहा है अभी आँख से भी तो ऐसे, लेकिन आँखों से तो भाई बढ़िया दिख रहा है, देखो सूरज डूब गया। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और अभी ना 300-400 मीटर और चलना है, 300-400 मीटर और चलना है सिर्फ प्रसाद लेने के, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ चल रहे बंदे। जय माता दी आ गए हम लोग, तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं माता के दरबार, ये रहा माता का दरबार, ये दिख रहा है आपको। फाइनली हम आ चुके, तो आपको क्या है? इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, एग्जाम में पास हो गया मैं इतने हार्ड तरीके से, तब भी खुशी नहीं हुई जितनी आज, इतने हम आ चुके हैं 13 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पे आए, हमें स्टेशन से पैदल आ रहे, दिल खुश हो गया सच्ची में। जय माता दी, जय माता दी बोलो। तो ये रहा हमारा माता का दरबार और हम पहुंच चुके हैं, अभी हमें यहाँ से चल के ऐसे ऐसे इधर साइड से चल के हमें जाना है ऐसे ऐसे ऐसे, हमें माता के दर्शन जाएंगे और हमें जाना है भैरव मंदिर, पहले यहाँ के दर्शन करवाते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा दरबार यहाँ पे, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम माता ने हमें बुलाया और आखिरकार हम माता के पास पहुँच गए, बस कुछ पल का और इंतजार है, माता के दर्शन हमें हो जाएंगे। चाय तो देखे भाई, वादियों के बीच हम चाय पीते हुए, सिर्फ हम 4 लोग हैं। दर्शन थोड़ी करना है प्रसाद, जय माता दी, 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 जय माता दी। देखो ये माता वैष्णो देवी के प्रसाद भंडार, यहाँ से आप आके प्रसाद ले सकते हैं, और ये इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है, भीड़ नहीं लगाना है, छोटू आगे चलो, हटो, जय देगा। ये देखो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी दर्शन करने के लिए, और ये वाली लाइन जा रही है स्नान के लिए, पहले स्नान करेंगे और फिर जाके दर्शन की लाइन में लगेंगे, जो कि बहुत लंबी लाइन है, कम से कम 12-1 बज जाएंगे, अभी बज रहे 8।
तो अभी चलेंगे फिलहाल नहाने। जय माता दी, जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, चलने वाले जय माता दी, लाइन वाले जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोले तो नहीं ना, सारे तो नहीं बोलते, बोलो साथे दरबार की जय।